अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा स्टाइल खूबसीरत के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी और आज के एपिसोड का शॉर्ट सा रिव्यू दूंगी। व्यूअर्स, एपिसोड में दिखाया जाता है कि दिलकश की भाभी उसके पास आती है और आकर कहती है कि तुम कौन सी मेडिसिंस ले रही हो, जिस पर दिलकश कहती है कि भाभी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, जिस पर उसकी भाभी उसका बैग चेक करने लग जाती हैं। तो दिलकश कहती है कि भाभी ये आप क्या कर रही हैं, छोड़े मेरा बैग। तो अंदर बैग में से एक निकल आती है मेडिसिन और वो देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं, जिस पर उसकी भाभी पूछती है कि ये कौन सी मेडिसिन है और तुम क्यों खाती हो। तो दिलकश बताती है कि ये मुझे मायरा ने दी थी, उसने कहा था कि वो भी अपनी प्रेगनेंसी के वक्त यही मेडिसिन खाया करती थी, तो तुम भी खाया करो, इससे बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। ये सुनकर उसकी भाभी और दिलकश खुद भी हैरान रह जाती है कि मैंने उसकी बात पर कैसे यकीन कर लिया। उसकी भाभी भी यही कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है दिलकश, चलो तुम मेरे साथ, हम उसके पास जाते हैं और उसे जाकर पूछते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। और दिलकश और उसकी भाभी पहुंच जाती हैं मायरा के पास। तो दिलकश कहती है कि मायरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरा बच्चा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया तुम उसको मारना चाह रही थी, तुम खुद भी तो एक माँ हो। और वो मेडिसिन उसके आगे करती है और कहती है कि बताओ तुमने क्यों किया ऐसे मेरे साथ। और उसे उस वक्त याद आता है कि हाँ, उसी ने वो मेडिसिन दिलकश को दी थी। व्यूअर्स, जिसके बाद दिखाया जाता है कि मायरा अपनी माँ को सारी बात बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मुझे तो अब खौफ आने लग गया है तुमसे मायरा, तुम एक नन्ही सी जान की जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आई, तुम उसकी जान कैसे ले सकती हो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि समर को उसकी सास कॉल करती है और कहती है कि समर बेटा तुम घर आ सकते हो। तो समर कहता है जी मैं ज़रूर आऊँगा। तो दिलकश की भाभी उसके पास जाती है और जाकर बताती है कि समर आ रहा है, जिस पर दिलकश कहती है कि अच्छा। तो उसकी भाभी कहती है कि हाँ तुम उसको मायरा की सारी बातें बताना, बल्कि मुझे भी बुला लेना, मैं भी सब कुछ बताऊंगी उसको। जिस पर दिलकश कहती है उन्होंने मेरी तरफ डाइवोर्स भेजी है ना, अब फैसला तो मैंने करना है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जब समर आता है तो कहता है कि दिलकश अगर तुम चाहती हो, मैं नहीं सिर्फ तुम, तो तुम ये बच्चा अबॉर्शन करवा सकती हो। ये सुनकर दिलकश हैरान रह जाती है। व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट इस ड्रामे में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है? आप लोग क्या चाहते हैं कि मायरा की हकीकत अब सबके सामने आ जाए? व्यूअर्स, नेक्स्ट यही दिखाया जाएगा कि मायरा की हकीकत समर के सामने आ जाएगी और समर उसको अपने घर से निकाल देगा। आप लोगों को ये ड्रामा स्टाइल और इसका कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।